ओम शांति। मुरली का तारीख है 7/4/2020। मीठे बच्चे, बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। प्रश्न, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर है, इसीलिए हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप समा नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। गीत, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं, अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो। वहाँ भी वफादार बच्चे चाहिए, हर बात में वफादार रहना है। स्त्री की सिवाय पति के अथवा पति के सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उनको भी बेवफा कहेंगे। अब यहाँ भी है बेहद का बाप, उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं, वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी है ना, तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। बाप में ताकत है बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, इसीलिए उनको कहा भी जाता है सर्वशक्तिमान। तुम भी शक्ति सेना हो ना, तुम अपने को भी आलमाइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वह हमको देते हैं, बतलाते हैं कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो, तो तुमको भी शक्तिवान बनना है। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल है ना, जैसे वो लोग अथॉरिटी है शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो, तुमको भी नॉलेज मिलती है। यहाँ पाठशाला है, इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो उससे ऊंच पद पा सकते हो। यहाँ एक ही पाठशाला है, तुमको तो यहाँ पढ़ना है और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है, एम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है, ज्ञान का सागर बाप है, तो वही जाने, वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, दूसरा कोई दे ना सके। बाप सम्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती है वहाँ भी तुम जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि है वहाँ गुरु गोसाई है, वहाँ सब है भक्ति मार्ग के, अब तुमको ज्ञान मिल रहा है। यहाँ भी जानते हैं कि उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बच्चे, तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी आवेश आदि ना आए, योग युक्त पक्का चाहिए। बाप ने समझाया है, वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से परे अवस्था वाले। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे घर को और बाप को याद करने वाले, इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। तुमको अच्छे कपड़े चाहिए ये इच्छा नहीं होना चाहिए, हमको अच्छे कपड़े चाहिए। यहाँ सब है चीची तमन्नाएं,
देह अभिमान वाले सर्विस नहीं कर सकते, देही अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए, वहां है योग की। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना, बाबा जट बता देंगे या कामिया निकालो। बाबा ने समझाया है, शिव के मंदिर में जाओ, वहां बहुत तुमको मिलेंगे। बहुत है जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते हैं काशीनाथ हमारा कल्याण करेगा। वहां तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे, परंतु इसमें बड़ा शुरूड़ बुद्धि, होशियार बुद्धि चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हो, मंदिरों में भी जाकर समझाओ। गुप्त वेश में जा सकते हो, हनुमान का मिसाल हो तो वास्तव में तुम ना। जुत्तियों में बैठने की बात नहीं है, इसमें बड़ा समझू सयाना चाहिए। बाबा ने समझाया है, अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना है, कुछ ना कुछ कामिया जरूर है। तुम बच्चों को नशा चाहिए कि या एक ही हट्टी है जहां हमको रहना है, या एक ही हट्टी है जहां सबको आना है। एक दिन या सन्यासी आदि सब आएंगे, एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहां, या एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहां। जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा और समझेंगे, या एक ही हट्टी है, सबका सदगति दाता एक बाप है ना। ऐसा जब नशा चढ़े तब बात है, बाप को यही ओना है ना। मैं आया हूं पतितों को पावन बनाए, शांति दाम सुखदाम का वर्षा देने। तुम्हारा भी यही धंधा है, सबका कल्याण करना है। यह है पुरानी दुनिया, इसकी आयु कितनी है थोड़े समय में समझ जाएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, सभी आत्माओं को यह बुद्धि में आएगा, नई दुनिया की स्थापना हो, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। आगे चल फिर कहेंगे बरोबर, भगवान यहाँ है। रचयिता बाप को ही भूल गए हैं, त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया है, तो कोई काम का नहीं रहा। रचयिता तो वह है ना, शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर बीके भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है, ब्रह्मा की औलाद है। ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं यहां भी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, यहां बड़ी पेचीली बातें हैं। बाप जब सम्मुख आकर समझाए तब समझे, जो देवताएं थे वह शूद्र बने, अब उनको कैसे ढूंढे, उसके लिए युक्तियां निकालनी है। जो समझ जाए या बीके का तो बारी कार्य है। कितने पर्चे आदि बांटते हैं बाबा ने, एरोप्लेन से पर्चा गिराने के लिए भी समझाया है। कम से कम अखबार जितना एक कागज हो, उसमें मुख्य पॉइंट्स सीडी आदि भी आ सकती हैं। मुख्य है अंग्रेजी और हिंदी भाषा, तो बच्चों को सारा दिन क्यालात रखनी चाहिए। सर्विस को कैसे बढ़ाए यहाँ भी जानते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पुरुषार्थ होता रहता है, समझा जाता है। यहाँ सर्विस अच्छी करते हैं, इनका पद भी ऊंच होगा। हर एक एक्टर का अपना पार्ट है, यहाँ भी लाइन जरूर लिखनी है। बाप भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया से आकर साकारी शरीर का आधार ले पार्ट बजाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कौन कौन कितना पार्ट बजाते हैं, तो यहाँ लाइन भी मुख्य है। सिद्ध कर बतलाना है, यहाँ सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी बन
चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकते हैं। तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है ना, बाप के पास नॉलेज है ही गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फिर फुल बादशाही चाहिए। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। जयपुर में भी यह रूहानी म्यूजियम स्थाई रहेगा, लिखा हुआ है। इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सदा हर्षित रहना है। मम्मा भी सर्विस पर है, उनको मुकरर किया था। यहाँ कोई शास्त्रों में है नहीं कि सरस्वती कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होगी ना, वहां फिर भी एडॉप्ट थी जैसे तुम हो। एक हेड चला जाता है तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं, एबुल समझा जाता है, तब उनको पसंद करते हैं। फिर टाइम पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखलाते हैं कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता है। जो जास्ती तीखे हैं तो उनका सबको रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वहां भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं, बाप ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया है। आजकल फीमेल को आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। तुम बड़े खुश होते हो, हम तो विष्णुपुरी के मालिक जाकर बनेंगे। कन्या का बिगर देके भी बुद्धियोग लग जाता है ना, या भी आत्मा जानती है, या आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल है। एक बाप को ही याद करना पड़े, वहां तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो, या तो बाप ही सब कुछ है। इन द्वारा आकर सगाई कराते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूं, मेरे से वर्षा मिलता है। कन्या की सगाई होती है तो फिर भूलती नहीं है। तुम फिर भूल क्यों जाते हो? कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापिस तो कोई जा ना सके। जब साजन पहले चले फिर बारात जाए, शंकर की बात नहीं, शिव की बारात है। एक है साजन, बाकी सब सजनिया। तो यहाँ है शिव बाबा की बारात। नाम रख दिया है बच्चे का, दुष्टांत दे समझाया जाता है। बाप आकर गुलगुल बनाए, सबको ले जाते हैं। बच्चे जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए गुलगुल बनाकर सभी को ले जाते हैं। या तो पुरानी दुनिया है ना, कल्प कल्प बाप आते हैं। हम चीची को आकर गुलगुल बनाए ले जाते हैं। रावण चीची बनाते हैं और शुबाबा गुलगुल बनाते हैं। तो बाबा बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, खाने पीने की चीची तमन्नाओं को छोड़, देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से माइट शक्ति ले, निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। सेकेंड पॉइंट, जो पढ़ाई में तीखे होशियार है उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है। सबका कल्याण करना है वरदान। अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को
प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विदाता भव। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विदाता बन देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। स्लोगन, स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। अच्छा, ओम शांति।